हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले वो सब टॉपिक चैप्टर वाइज जिससे क्वेश्चन एग्जाम में लगभग लगभग आना तय है। तो सबसे पहले मैंने लिया चैप्टर सेट। सेट्स में ये जो क्वेश्चन है इस टाइप का लगभग लगभग हर एग्जाम में आता है। तो मैं इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जाएगा, जैसे मैथ के स्टूडेंट कितने हैं, मैथ पसंद करने वाले लोग 15 हैं, फिजिक्स पसंद करने वाले लोग 12 हैं, केमिस्ट्री पसंद करने वाले लोग 11 हैं, मैथ एंड लिखा होगा, एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन, मैथ एंड केमिस्ट्री पसंद करने वाले 5 लोग हैं, मैथ एंड फिजिक्स पसंद करने वाले 9 लोग हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पसंद करने वाले 4 लोग हैं, और ऐसे लोग जो तीनों पसंद करते हैं वो 3 लोग हैं। तो 2-3 क्वेश्चन का आपसे जवाब पूछा जाएगा, तब शानदार वेन डायग्राम से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो आप। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना हो, सबसे पहले आप फिल कीजिए इसको, तीनों पसंद करने वाले लोग कितने हैं, 3। अब 2 वाले पाइए, अब बताएं यहाँ पे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री था, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाला पार्ट कौन हो गया, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट हुआ। तो इसमें 4 लोग हैं तो 3 यहाँ हो गए, तो यहाँ पर कितने लोग आएंगे, 1 लोग आएंगे। उसके बाद मैथ एंड फिजिक्स, तो मैथ एंड फिजिक्स का इंटरसेक्शन पार्ट ये वाला हुआ, 9 है, 3 यहाँ गए तो 6 यहाँ पे आएंगे। उसके बाद मैथ एंड केमिस्ट्री, तो मैथ एंड केमिस्ट्री का इंटरसेक्शन पार्ट ये है जो कि 5 है, 3 यहाँ गया तो यहाँ पे आएगा 2। उसके बाद केमिस्ट्री में टोटल कितने हैं, 11, तो टोटल 11 हो गए तो 3 और 1 4 और 2 6 हो गए तो इसमें कितने हो जाएंगे, 5। फिजिक्स में टोटल कितने हैं, 12, तो 9 और 1 10 हो गए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2। मैथ में टोटल कितने हैं, 15, मैथ में 15 तो 6 3 9 2 11 हो गए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4। अब हर क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा, हु हैव टेकन ओनली फिजिक्स, जो सिर्फ फिजिक्स लेता वो कितने लोग, सिर्फ फिजिक्स वाले लोग कितने हैं, 2, सिर्फ केमिस्ट्री वाले लोग कितने हैं, 5, सिर्फ मैथमेटिक्स वाले लोग कितने हैं, 4। आपसे बोले फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, सिर्फ फिजिक्स लाइक करने वाले लोग कितने हैं, 2। हु हैज टेकन ओनली 2 सब्जेक्ट, सिर्फ 2 सब्जेक्ट लेने वाले, तो सिर्फ 2 सब्जेक्ट में ये 6 आ जाएगा, इसमें फिजिक्स और मैथ हुआ ये वाला 6, 2 सब्जेक्ट ये 1 वाला आ जाएगा, इसमें भी 2 सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री, ये भी आ जाएगा 2 सब्जेक्ट वाला मैथ, तो 2 सब्जेक्ट लाइक करने वाले लोग कितने हो गए, 6 यहाँ से, 1 यहाँ से हो गए और 2 यहाँ से हो गए, 6 2 8 और 1 कितने हो गए, 9। 9 लोग हैं जो 2 तरह के सब्जेक्ट को लाइक करते हैं। सेकेंड आता है रिलेशन फंक्शन से, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिससे लगभग लगभग क्वेश्चन आना तय है। तो डोमेन रेंज का जो क्वेश्चन होता है, चाहे रिलेशन में पूछा जाए या फंक्शन में, ये क्वेश्चन लगभग समझिए तय है। और उसमें भी आपको जो मॉडुलस फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और एक और बात, नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए दे रखा है m, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा, 2m होगा। नंबर ऑफ सबसेट भी क्या होगा, 2m होगा इसमें का, ये सेट्स में का। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या हो जाए, 1 कम हो जाए, क्योंकि 5 जो होता है वो प्रॉपर सबसेट नहीं होता। तो इस तरह के क्वेश्चन रिलेशन फंक्शन से इंपॉर्टेंट लगभग आने तय हैं। अब थर्ड है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर से जो लगभग क्वेश्चन तय होता है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से क्वेश्चन लगभग तय होता है, कि हर साल इससे क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको याद क्या रखना, ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1, यानी ओमेगा की पावर में 3 का मल्टीपल कितना होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, ओमेगा इसके इक्वल होता है और ओमेगा स्क्वायर इसके इक्वल होता है। अब नेक्स्ट आता है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है वो बन जाता है अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। 2 नंबर का अरिथमेटिक मीन होता है a+b/2, n नंबर का अरिथमेटिक मीन होगा सबको ऐड करके अपॉन में n, और 2 नंबर के बीच में अगर n अरिथमेटिक मीन डाला गया और ये सीक्वेंस ap में हो, तो अगर ये बीच वाले टर्म सब निकालना होता, d निकालने का ट्रिक याद रखना, b-a/(n+1), यहाँ पे n क्या, जितने नंबर आपने बीच में इंसर्ट किया वही है, d आ जाएगा, a पता ही है, तो आप हर टर्म ap का निकाल सकते हो। 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन √ab, n नंबर का ज्योमेट्रिक मीन सबका मल्टीप्लाई करके power 1/n, अगर 2 नंबर के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन ऐड किया गया है, तो अगर ये बीच वाले टर्म सब निकालने हो, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना हो, फर्स्ट टर्म तो दे रखा, कॉमन रेशियो बस निकाल लेंगे, तो कॉमन रेशियो का फॉर्मूला होगा b/a^(1/n+1), यहाँ पे n क्या होगा, जितने नंबर बीच में डाले गए हैं। और इसमें जो सीक्वेंस सीरीज में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन आना तय लगभग है, एस इन्फिनिटी, इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला होता है a/(1-r), यहाँ पे a क्या है, फर्स्ट टर्म, और कॉमन रेशियो, r क्या होता है इसमें, यही इसमें मैंने याद रखना, वो ग्रेटर होता है -1 से और लेस देन होता है 1 से। नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, यही से ज़्यादा क्वेश्चन सब आते हैं, α+β-β/α×β c/a, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और उसके अलावा नेचर ऑफ रूट से भी क्वेश्चन बनते हैं उसमें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, d क्या होता है, b²-4ac, अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो 2 डिफरेंट रूट होगा रियल रूट, d अगर लेस देन 0 होगा तो नो रियल रूट होगा, इसमें कोई भी रियल रूट
नहीं आएगा, नो रियल रूट और डी इक्वल टू जीरो आएगा, तो टू सेम रूट आएगा। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में काउंट होता है, जो रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जिसमें पॉइंट दे रखा होगा, एन पॉइंट देगा, बोला कितने लाइन बनेंगे, तो एन पॉइंट वो भी नॉन कोलिनियर, अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट है एन, तो कितने लाइन स्ट्रेट लाइन बनेंगे, एन सी टू, क्योंकि लाइन को ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट को चुनना होगा, एन सी टू यानी कि एन इन टू में एन माइनस वन अपॉन में क्या आ जाएगा, टू। अगर एन पॉइंट्स हो, अच्छा इसे ट्राइंगल कितने बनेंगे, इसे ट्राइंगल बनेंगे एन सी थ्री, स्क्वायर कितने बनेंगे एन सी फोर, क्योंकि स्क्वायर के लिए चार पॉइंट लेना होगा, ट्राइंगल के लिए तीन पॉइंट चुनना होगा। अगर ऐसा हो एन पॉइंट विद एम कोलिनियर पॉइंट, अब एम इसमें कोलिनियर पॉइंट है, तो लाइन कितना बनेगा, लाइन बनेगा एन सी टू, इसमें से कोलिनियर से जो हो रहा है लाइन बन रहा है उसे माइनस कर देंगे एम सी टू, और कोलिनियर को लेकर के एक लाइन तो बना है ना, तो उसमें एक क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ट्रायंगल कितना बनेगा एन सी थ्री, और उसमें से कोलिनियर से जो ट्रायंगल बना उसे क्या कर देंगे, माइनस। स्क्वायर कितना बनेगा, स्क्वायर कितना बनेगा एन सी फोर, और कोलिनियर से जो स्क्वायर बना उसे माइनस कर देंगे एम सी फोर, ये हमारा आंसर आएगा। पीएनसी से ये भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, अरेंजमेंट वाला, जिसमें बोलेगा तीन कोई पर्टिकुलर नंबर या चार कोई पर्टिकुलर नंबर वो एक साथ आना चाहता है, जैसे इसमें अगर इसे हमें अरेंजमेंट करना और तीन एक साथ आना चाह रहा है, तो इसको एज अ वन ट्रीट करना, वन टू थ्री फोर, फोर को फोर जगह पर अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल फोर, इनटू में जो तीनों है ये भी तो अपने अंदर अंदर अरेंजमेंट होगा, तो ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल थ्री। ये तो हुआ जब तीनों एक साथ आएगा, फिर बोलेगा तीनों एक साथ नहीं आएगा, तो तीनों एक साथ के लिए क्या नहीं आएगा, तीनों एक साथ नहीं आएगा उस केस में क्या करेंगे, जो टोटल अरेंजमेंट होगा तीन और तीन छः फैक्टोरियल छः, उसमें से क्या करेंगे, जिसमें तीनों एक साथ वाला अरेंजमेंट है क्या कर देंगे, माइनस, यानी फैक्टोरियल फोर इंटू फैक्टोरियल थ्री को क्या कर देंगे, माइनस। ये हो गया जिसमें तीनों एक साथ हैं, और ये हो गया टोटल, और टोटल में से तीनों एक साथ वाला केस माइनस कर दिया, तो बचा क्या, जिसमें तीनों एक साथ नहीं होगा। और अगर बात करें बाइनोमियल का, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा बन जाता है, जनरल टर्म पे आने वाला क्वेश्चन, और उससे भी इंपॉर्टेंट बन जाता है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालने वाला, या फिर कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर जीरो जिसको बोलते हैं, वो टर्म निकालने वाला क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर बात करें मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा बन जाता है, मैट्रिक्स में तो अगर ए और बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा था, उसमें कंडीशन क्या होना चाहिए, ये पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो सेम होना चाहिए, और जो ए इंटू बी करके रिजल्टेंट आएगा उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, एन बाई पी, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बन सकता है अच्छा वाला। और ये वाले कॉन्सेप्ट बहुत बार रिपीट होते हैं मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में, के इंटू ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, के की पावर एन इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन, यहाँ पर एन क्या ऑर्डर, टू बाई टू होगा तो एन की वैल्यू टू, और थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स होगा तो एन की वैल्यू थ्री, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, या फिर ए का डिटर्मिनेंट का इनवर्स, या फिर वन अपॉन में डिटर्मिनेंट एक्स, और ए इंटू बी का जो डिटर्मिनेंट होता है वो ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट होता है, और ए की पावर एम का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, ए का डिटर्मिनेंट रेस्ट टू दी पावर एम। देखिए हम बात करते हैं ट्रिगो में कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो वैसे तो ट्रिगो पूरा समुद्र है, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया है कि इस फॉर्मूले पे ट्रिगो से बहुत बार क्वेश्चन आया, टेन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से, उसके साथ साथ साइन थीटा वन अगर कॉस थीटा टू के इक्वल है, तो साइन थीटा वन प्लस थीटा टू किसके इक्वल होगा, 180 नहीं 90 के इक्वल होगा, और ये वाला पैटर्न साइन थीटा साइन 90 माइनस साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा का आंसर होगा 1/4 साइन 3 थीटा, ये कॉस के लिए भी वैलिड है, और ये हाफ एंगल पे बहुत बार क्वेश्चन बनता है, और इस फॉर्मूले पर भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ था, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला होता है 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू, कॉस एक्स माइनस वाई का 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू में साइन एक्स माइनस वाई बाई टू, साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू में कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू, साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला 2, अब कॉस पहले आ जाएगा 2 एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू साइन बाद में आ जाएगा साइन एक्स माइनस वाई बाई टू। और अगर स्ट्रेट लाइन की बात करें तो बहुत सारे टॉपिक में जो सबसे ज़्यादा रिपीट होता है वो होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट वाला क्वेश्चन, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, जो डी वाई बाई डी एक्स आया उसको उल्टा करके क्या लगा दिया जाता है, माइनस लगा दिया जाता है, अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट 3 आया तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1/3, और दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस 1 के इक्वल, और लाइन का जो इक्वेशन होता है जब पॉइंट और स्लोप दिया हो जाता है तो वो इक्वेशन होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम
एक्स माइनस एक्स वन, तो ये वो टॉपिक है जिससे बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और अगर बात करें सर्कल का, तो सर्कल में जो क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट रख सकता हूँ, ये सर्कल का इक्वेशन दे रखा होगा आपको और बोलेगा एक पॉइंट है जो सर्कल के बाहर लाई करता है या सर्कल के ऊपर लाई करता है या सर्कल के अंदर लाई करता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, वो पॉइंट को आप यहाँ पुट करोगे सर्कल के इक्वेशन में, है ना, और उससे एस वन निकालोगे, वैल्यू पुट करें, यानी एक्स की जगह एक्स वन और वाई की जगह वाई वन पुट करने के बाद कुछ नंबर आएगा। वो नंबर अगर जीरो से ज़्यादा रहता है तो पॉइंट क्या होगा, आउटसाइड होगा। अगर वो नंबर जीरो से कम होगा तो कहाँ पे आएगा, इनसाइड आएगा। और अगर वो नंबर जीरो के इक्वल आ जाता है तो ऑन द सरफेस आ जाएगा वो पॉइंट। और अगर कॉनिक सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को उठा लें, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कॉनिक सेक्शन का जो होगा वो होगा आपका इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कॉनिक सेक्शन में। तो पैराबोला का तो इसेंट्रिसिटी वन ही होता है, इलिप्स का इसेंट्रिसिटी याद रखना अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी होता है अंडर रूट ऑफ वन प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। बी हमेशा क्या होगा, माइनर एक्सिस का लेंथ, और ए हमेशा क्या होगा, मेजर एक्सिस का लेंथ। बी हमेशा कम होगा और ए हमेशा ज़्यादा होगा। और 3D में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। दो लाइन का अगर डायरेक्शन रेशियो दे रखा होगा, अगर ये पैरेलल है तो क्या होगा, A1 अपॉन A2 इक्वल होगा B1 अपॉन B2 इक्वल होगा C1 अपॉन C2। अगर परपेंडिकुलर होगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 किसके इक्वल होगा, जीरो के। दो लाइन दे रखा होगा, अगर हमें डायरेक्शन रेशियो निकालना होगा तो कैसे निकालें, दो पॉइंट से X2 माइनस X1 कॉमा Y2 माइनस Y1 कॉमा Z2 माइनस Z1, यहाँ से डायरेक्शन रेशियो निकल जाएगा। इसे A समझ लीजिए, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाल सकते हो, A अपॉन में अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B अपॉन में यही चीज़ और C अपॉन में सेम चीज़। अगर A एज सच वैक्टर दे रखा हो तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, A B और C, I J और K का कोफिशियंट, और उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन बेसिक और डायरेक्शन कोसाइन इसी तरह से निकाल लेंगे। और एंगल दे रखा होगा तीनों एक्सिस के साथ, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा, ये डायरेक्शन कोसाइन होगा। इसका रिलेशन क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये किसके इक्वल होता है, 1 के। और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये होता है 2 के इक्वल, याद रखना।